ये कहानी साइमन नाम के एक लड़के की है जिसकी उम्र 18 साल है। उसे अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। साइमन अपनी सौतेली माँ के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। बाप के जिंदा होने के बावजूद भी साइमन अपनी सौतेली माँ के साथ एक बच्चे का बाप बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं। साइमन एक आर्टिस्ट है और वो अपनी फैमिली से अलग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है क्योंकि उसकी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं और उन्हें साइमन का आर्टिस्ट होना पसंद नहीं है, इसीलिए साइमन उनसे अलग रहता है। आज साइमन के बाप का 60वां बर्थडे है और इसी शुभ मौके पर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पे लाता है ताकि वो उसे अपनी पूरी फैमिली से मिला सके। आज उनकी पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। साइमन जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उनकी पूरी फैमिली जमा हुई है। साइमन यहाँ पर सभी को जानता है सिवाय एक औरत के। साइमन आज उसे पहली बार देख रहा है। साइमन उस औरत के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उसके बारे में अपनी माँ से बात करता है। साइमन को उसकी माँ बताती है कि उस औरत का नाम सोनिया है और वो उसके डैड की सेक्रेटरी है। साइमन को उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे डैड अक्सर नई नई सेक्रेटरी बदलते रहते हैं, दरअसल वो उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। उन्हें अपने साथ रखने के लिए वो उन्हें सेक्रेटरी बनाकर रखते हैं। और इस बात से साइमन की मॉम अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। दिन ब दिन साइमन के डैड के साथ उसका रिश्ता और भी बिगड़ता जा रहा था। वो अपने रिश्ते को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। वो साइमन को बताती है कि तुम्हारे डैड वेकेशन पर जाने वाले हैं और मैं क्लिनिक में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे डैड अपनी सेक्रेटरी को अपने साथ ले जाएंगे और मुझे डर है कि कहीं वो उसके साथ शादी न कर ले, इसलिए मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। साइमन कहता है कि इसमें मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए क्लिनिक संभालना होगा ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और तुम्हारे डैड के साथ इस वेकेशन पर जा सकूँ और अपने रिश्ते को भी बचा सकूँ। साइमन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी माँ की बात मान लेता है। और इस तरह से साइमन के डैड को ना चाहते हुए भी साइमन की माँ के साथ वेकेशन पर जाना पड़ता है। लेकिन इस बात से सोनिया को गुस्सा आ जाता है। वो साइमन से पूछती है कि आखिर तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो। तभी साइमन उसे बताता है कि तुम मेरे डैड को नहीं जानती, वो अक्सर गर्लफ्रेंड्स बनाकर उन्हें छोड़ देते हैं। इस बात पर सोनिया उसे जवाब देती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे डैड और मेरे बीच कितना गहरा रिश्ता है। अब ये कहकर वो नीचे चली जाती है। नीचे साइमन उसे उसके डैड के साथ फोन पर बात करते हुए देख लेता है। इस बात से साइमन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। खैर, अब साइमन और उसके डैड की सेक्रेटरी सोनिया ऑफिस आ जाते हैं जहां पर उन्हें ज्यादा काम नहीं करना था। इस वजह से वो दोनों बोर हो रहे थे। साइमन जब सोनिया के पास जाता है तो सोनिया साइमन के डैड की याद में रो रही थी। वो साइमन से कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे प्यार करते हैं और फिर भी वो मुझे अपने साथ वेकेशन पर नहीं लेके गए। सोनिया बहुत उदास होती है, इसीलिए वो साइमन के गले लग जाती है और कुछ देर बाद उसे किस भी करती है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो गलत कर रही है, इसीलिए दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ देर के बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि कुछ दिनों के बाद उन्हें एक कार्टून फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। वो ये किस काम में फंस गया है। साइमन कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपनी मॉम की हेल्प करे या उस कार्टून फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करे। वो ये दोनों काम करना चाहता था। अगले दिन साइमन अपने डैड के क्लिनिक जाकर सोनिया से माफी मांगता है और उसे बताता है कि कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो उसके डैड को पता नहीं लगना चाहिए। इस बात पर सोनिया उससे कहती है कि उसने ऑलरेडी साइमन के डैड को बता दिया है कि उनकी गैर हाजिरी में वो एक लड़के के साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन उसने उन्हें ये नहीं बताया है कि वो किस लड़के के साथ है। साइमन सोचता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सोनिया के जाने के बाद वो ड्रॉअर में फाइल्स चेक करता है जहां उसे सोनिया की फाइल मिलती है और उसे पता चलता है कि वो उसके डैड की एक्स पेशेंट है। उसे सोनिया के बारे में ये भी पता चलता है कि सोनिया बात बात पर सुसाइड करने की कोशिश करती थी। इस बात के बारे में भी सोनिया को पता चल जाता है। वो अपनी फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे वो फाइल साइमन के पास मिलती है। वो साइमन से वो फाइल ले लेती है। साइमन सोनिया के पास आता है। साइमन उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो उसके हाथ से फाइल छीन लेता है। लेकिन तभी सोनिया उसे किस कर लेती है, जिसके बाद साइमन अपने आप को नहीं रोक पाता। वो भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी सोनिया उसे कमरे में चलने के लिए कहती है। साइमन और सोनिया नीचे एक कमरे में आते हैं जहां पर सोनिया साइमन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके बाद साइमन अपने आप को नहीं रोक पाता और वो सोनिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद सोनिया साइमन को उसके घर तक ड्रॉप करती है। साइमन उसे निकलते समय किस करता है
और अपनी साइकिल पर बाहर घूमने चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे आर्टिस्ट के साथ देखता है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, तभी वो उसे बताती है कि उसे कार्टून फेस्टिवल के लिए किसी पार्टनर की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने इस आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पर लंच के लिए आई है। जिसके बाद वो साइमन को किस करती है और साइमन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब साइमन को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसे फॉलो करता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में उस आदमी के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे भी जाता है। साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो बहुत टाइम से इस कार्टून फेस्टिवल का वेट कर रही थी, इसलिए उसने दूसरे आर्टिस्ट के साथ इस कार्टून फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया है। उसी वक्त साइमन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम प्लीज कुछ दिन तक ऐसे ही अपने डैड के काम को मैनेज करते रहो, हम बहुत जल्द घर आने वाले हैं। साइमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, लेकिन मजबूरी में उसे अपनी मॉम की बात माननी ही पड़ती है। रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डांस पार्टी में जाता है, जहाँ पर दोनों डांस पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी साइमन फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के बारे में सब कुछ बताएगा। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड उसके करीब आने लगती है तो साइमन उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त साइमन को सोनिया का मैसेज आता है, जो उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं अकेली हूँ। साइमन बिना कुछ सोचे समझे सोनिया के घर पे चला जाता है, जहाँ पर साइमन फिर से एक बार सोनिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। रात में साइमन वहीं पर रुक जाता है। सुबह जब साइमन जागता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया मार्केट गई है। उसे सोनिया के घर में उसके डैड और सोनिया की एक फोटो फ्रेम मिलती है। फोटो को देख कर वो समझ जाता है कि उसके डैड ने ही ये घर सोनिया को गिफ्ट किया है। तभी वहाँ पर साइमन का पिता आ जाता है। वो साइमन को देख कर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साइमन उससे वापस पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर एक बुक लेने आया था। साइमन को उसके डैड बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ इसीलिए रिलेशनशिप में है क्योंकि वो मुझसे एक बच्चा चाहती है, लेकिन मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नसबंदी हो चुकी है। उसी वक्त वहाँ पर सोनिया आ जाती है। सोनिया साइमन के डैड से बहुत नाराज थी क्योंकि वो उसे अपने साथ वेकेशन पर नहीं लेकर गया था। सोनिया साइमन के डैड के सामने ही साइमन को किस करती है ताकि वो उसे जला सके। साइमन के डैड साइमन से कहते हैं कि तुम अपनी माँ को समझा देना कि मैं सोनिया के साथ रिलेशनशिप में था। कुछ देर के बाद साइमन अपनी मॉम के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को सब कुछ सच सच बता देता है। इससे साइमन की मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बेटा और उसका पति दोनों एक ही औरत के चक्कर में पड़ गए थे। इसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अब देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और सोनिया एक बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा साइमन का होता है। सोनिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब एक बच्चा भी मिल गया था, एक पति भी और एक फैमिली भी। वो अपने बच्चे को साइमन के हाथ में देती है। साइमन उस बच्चे को देखकर कुछ देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर वालों के साथ मिलाने के चक्कर में वो ऐसा फंसा कि न इधर का रहा न उधर का। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।